हेलो एवरीवन, दिस इज रवीना एंड वेलकम बैक टू मेटामाइंड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आपका स्टैंडर्ड 11th हो, 12th हो, या फिर आप फ्यूचर में एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको गोल्डन रूल्स आने जरूरी है, क्योंकि विदाउट गोल्डन रूल्स के आप अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर अभी तक आपके गोल्डन रूल्स क्लियर नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप गोल्डन रूल्स को सीखेंगे कि किस तरीके से गोल्डन रूल्स को हम फॉलो करते हुए अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अकाउंटिंग में हमारे गोल्डन रूल्स 3 टाइप के होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विदाउट गोल्डन रूल्स के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा होता है गोल्डन रूल्स। अब 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे गोल्डन रूल्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा होता है रियल अकाउंट, एंड सेकेंड हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। इन 3 रूल को फॉलो करते हुए हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। अब देखिए, रियल अकाउंट हमारे बिजनेस के किस किस अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमारे रियल अकाउंट का रूल किस किस अकाउंट पर लगता है। अब हमारे बिजनेस के जितनी भी लाइबिलिटी होती है एंड जितनी भी एसेट्स होती है एंड जितनी भी लाइबिलिटी होती है, उन सभी को हमारे रियल अकाउंट इफेक्ट करते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि हमारे बिजनेस में अगर एसेट्स आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, एंड हमारे बिजनेस से अगर एसेट्स जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है कि हमने परचेज की है मशीनरी इन कैश। अब मशीनरी भी हमारे बिजनेस के एसेट्स है एंड कैश भी हमारे बिजनेस के एसेट्स है। अब हमारे बिजनेस में जब हम मशीनरी परचेज की है तो आया क्या है, मशीनरी आई है, और हमारे बिजनेस से गया क्या है, कैश गया है, क्योंकि हमने कैश से परचेज की है मशीनरी को। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे रियल अकाउंट के बेसिस पे, मशीनरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट को हमने कर दिया यहां पर डेबिट। कितने अमाउंट से किया है, 50,000 से। अब यहां पर क्रेडिट क्या होगा, हमारा कैश होगा, क्योंकि हमने कैश से परचेज किए, कैश अकाउंट को यहां पर हम कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से करेंगे, 50,000 से, क्योंकि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका रियल अकाउंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट की तरफ। पर्सनल अकाउंट हमारे बिजनेस के किस किस अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे नाम से ही शो हो रहा है, हमारे बिजनेस के जितने भी पर्सन हैं, हमारे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एंड हमारे बैंक अकाउंट है, ये सभी हमारे पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो पर्सन रिसीवर है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन गिवर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब पर्सनल अकाउंट को भी हम रूल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या, राम ने 10,000 पे किए किसको, सोहन को। अब यहाँ पर राम क्या है, गिवर है, और सोहन क्या है, रिसीवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर सोहन क्या हो जाएगा हमारा, सोहन अकाउंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर डेबिट। कितने अमाउंट से होगा, 10,000 से। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है, गिवर है, तो राम अकाउंट को यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से करेंगे, 10,000 से। तो इस तरीके से हम पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ।
अब नॉमिनल अकाउंट हमारे बिजनेस के किस किस अकाउंट को अफेक्ट करते हैं? देखिए, हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी लाइबिलिटी होती है, उनको हमारे रियल अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के जितने भी डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड हमारे बैंक अकाउंट, जितने भी पर्सन होते हैं, उन सभी को हमारे पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे बिजनेस में क्या बचा? देखिए, हमारे एक्सपेंस एंड इनकम्स एंड हमारे लॉसेस एंड गेन्स, इन सभी को कौन इफेक्ट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उन सबको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड हमारे बिजनेस के जितने भी इनकम हैं, जितने भी गेन्स हैं, उन सबको हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब इस रूल को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमने पेड की है सैलरी, कितने बैंक से की है? 25,000। अब यहाँ पर सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, एक तरीके का खर्चा है, और रूल क्या कह रहा है कि एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले सैलरी अकाउंट को क्या कर दिए? सैलरी अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। कितने अमाउंट से किया है? 25,000। अब क्रेडिट यहां पर क्या होगा? देखिए, हमने सैलरी किससे पे की है? बैंक से पे किया है। अब बैंक अकाउंट हमारे कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो कर रहा है। अब पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर बैंक रिसीवर है, फिर गिवर है? गिवर है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से किया? 25,000 से। तो इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइज, हम गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए इस तरीके से अकाउंटिंग में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।